अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची। आप सबको खुशामदीद आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में जिसका नाम है सुबह नौ। मैं हूं आपका आरजे आगा नुमान, आपको करता हूं खुशामदीद अपने शो में। और जनाब आज है ईद का तीसरा दिन। देखिए वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। अभी हम तैयारी कर रहे थे और हम मार्केट्स का सर्वे कर रहे थे कि जी कुर्बानी के लिए जानवर चाहिए, और सर्वे हो रहे हैं और जनाब जानवर महंगा नहीं मिल रहा, एक से ज़्यादा विजिट्स हो रहे हैं। लेकिन फाइनली हम सब जो हैं वो ईद कुर्बान जैसे कि हुआ, जिसने भी कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया, अल्लाह ताला तौफीक भी सबने अदा किया। और उसका सबसे मेन जो पार्ट होता है बकरीद का, वो यकीनन सबसे पहले तो ये कि जानवर ज़बह करना है, दैन फिर जो है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर जो मौका आता है वो होता है जी फिर कुछ दावतों का अहतमाम हो, कुछ मज़े मज़े के खाने बनाए जाएँ जो कि इस ईद की पहचान होते हैं। और इस ईद को तो बारबेक्यू ईद भी कुछ लोग कहते हैं। तो जनाब मौके की मुनासबत का ख्याल रखते हुए हमारे जो आज गेस्ट हैं हमारे स्टूडियोज़ में, वो हमें इस हवाले से बहुत बेहतर गाइड कर सकते हैं क्योंकि वो इस हवाले से प्रोफेशनल्स हैं। जी हाँ जी, हमारे पास आज मौजूद हैं शेफ़ नौफल जो कि एक्सपर्ट शेफ़ हैं, और उन्हीं के साथ जो हैं वो शेफ़ अवेस हैं, वो भी एक्सपर्ट शेफ़ हैं और बहुत अपनी एक महारत रखते हैं इस फील्ड में। तो हम दोनों को करते हैं जी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक, खैर मुबारक जी। तो आप जी अपना इंट्रो देना चाहेंगे? पहले तो आप बारी बारी इंट्रो दे दीजिए कि आपकी क्या स्पेशलिटी है। ठीक है जी, जी मैं स्टार्ट करूं? हाँ, ये लड़ाई हमारी शुरू से रहती है कि कौन स्टार्ट करेगा। मेरा नाम शेफ नौफल अंजुम है और मैं जो हूँ बेसिकली हॉट किचन मेरी स्पेशलिटी है। देसी तो खैर हमारे खून में ही होता है, लेकिन इटालियन और कॉन्टिनेंटल जो है वो बेसिक मेरे जो है उसमें स्पेशलिटीज में आता है। और वैसे जो है मैं इंस्ट्रक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंस्ट्रक्टिंग के बिल्कुल सिखाता भी हूँ, और टीचिंग की फील्ड में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से हूँ। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं अटैच रहा हूँ, और अब यस ये है कि हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चीज़ें चलती हैं। ज़बरदस्त, तो फिर आज हम आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, हमारे दोस्त भी सीखने वाले हैं। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबसे पहले तो। और मेरा नाम है उवैस, शेफ़ उवैस, और मेरी जो स्पेशलिटी है वो है पैटिसरी। बेकिंग के अंदर मैं जो है वो स्पेशलिटी रखता हूँ। इसके साथ साथ अगर जो हॉट किचन की बात की जाए तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल कुजीन के ऊपर, फास्ट फूड के ऊपर जो है एग्जैक्टली तो उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें वेरिएट की हैं, इनोवेट की हैं, रेसिपीज जनरेट की हैं डिफरेंट शोज़ के अंदर, मीडिया के ऊपर आके वहाँ पे भी हमने शो किए हैं, जो कि टीवी के बहुत सारे चैनल्स उधर हम लोग आए हैं अपीयरेंस। और इसके साथ साथ प्रोग्राम भी आपके देखे, थैंक यू। फिर उसके साथ साथ मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, बेकिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान कराची का, वेल नोन बड़ा इंस्टीट्यूट, उसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ बेकिंग। और इसके अलावा अपना एक वेंचर है जो ऑनलाइन हम लोग चलाते हैं, मैं और नौफिल हम दोनों मिलके। और इसके अलावा जैसे कि नौफिल ने बताया, डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट जो हमारे हो रहे होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट शूट्स हो गए, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट के एड्स जो बनते हैं उसके, और इसके अलावा जो डिफरेंट लाइक कोई भी कमर्शियली इवेंट्स होते हैं, हाई टीज वगैरह हो गई, इस तरह से हम लोग वो उनको सर्व करते हैं, केटरिंग सर्विसेज। बिल्कुल जी, तो ज़बरदस्त। तो फिर आज का जैसे आपको मालूम है कि जब बकरा ईद का जो सीज़न होता है, स्पेशली जो आज का जो तीसरा दिन है ईद का, उस दिन आप देखेंगे खास एहतमाम होता है घरों पर, और कोशिश होती है कुछ डिफरेंट किया जाए। बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसी वो जो एक ट्रेडिशनल खाने खा खा के ना, अब लोग मेरा अब जो ये मैं जनरेशन देख रहा हूँ, हम लोग वाली जनरेशन जो है हम कोशिश ये करते हैं क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है ना इस फील्ड के अंदर कि शेफ अब आपको मतलब समझने हर खानदान में एक शेफ फील्ड में जरूर मिलेगा। पहले हमारे टाइम पे नहीं होता था ऐसा, जब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री और हम लोग बताएंगे तो हम लोग बहुत बड़ी कम वाली ये काम किचन में तुम क्या कर रहे हो, क्यों रोलर कोस्टर वाली जो जर्नी है वो है, यू विल बी अमेज्ड कि हमारा बैकग्राउंड जो है हम दोनों का इट्स वेरी डाइवर्सिफाइड, और आपको जब हम बताएंगे तो फिर व्यूअर्स भी और आप भी जो है काफी अमेज्ड हो जाएंगे। तो शुरू करें, चलो मैं शुरू करूँ, पहले मैं करूँगा, चलो तुम शुरू करो। नहीं नहीं आप करें, बिल्कुल करें, मैं रुकता नहीं हूँ फिर। अच्छा बेसिकली मैं जो हूँ अगर देखा जाए तो मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड से हूँ, ACCA हूँ मैं, बैंकिंग भी बिल्कुल बैंकिंग में हूँ। देखिए सारी मालूमात अमेज नहीं हुए। अच्छा तो जो है ACCA हूँ मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा BCOM भी किया हुआ है, और बैंकिंग में जो है मैं तकरीबन 2.5 ईयर्स में बैंकिंग में रहा हूँ, कॉर्पोरेट बैंकिंग में। उसके बाद जो है मैंने जो है फील्ड अपनी चेंज की, बिकॉज 10 साल बैंट्रिक में थे तो कुकिंग भी किया करते थे, और वो रेसिपी सारी बनाते थे जो अपनी रेसिपीज होती थी।
है ना, कभी किसी की रेसिपी को फॉलो नहीं किया। सारी इंफॉर्मेशन लेके बंदा आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जो हूँ मैं 9th क्लास में किचन में घुसा था बिल्कुल, और उस वक्त जो है मैं तमाम वो चीज़ें बनाता था, तमाम वो फास्ट फूड चीज़ें बनाता था जो कि कहीं और नहीं बनती थी। लाइक अभी जो मैक एंड चीज़ बर्गर आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है, वो मैंने 9th क्लास में मैक एंड चीज़ बर्गर बनाया था। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी रेसिपीज जो मैं आज देखता हूँ इज वेरी फेमस, तो मैं तब मैंने बना के जो है वो, क्योंकि वो सारी मैंने अपनी, मैंने कभी भी किसी रेसिपी को फॉलो नहीं किया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है मैं चाइनीज की तरफ आया, फिर मैं देसी की तरफ आया, देसी की तरफ मैं तीसरे मरहले में आया हूँ। तो पहला मैंने फास्ट फूड से ही स्टार्ट किया था, फिर पास्ता पे, फिर चाइनीज पे, उसके बाद देसी पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मेरी फील्ड बहुत इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे वही कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा होता है कि मैं रिश्ता लेने जाऊंगी तो फिर मैं ये बोलूंगी मेरा बच्चा बावर्ची है। अच्छा ये भी पूछने लगा था कि क्या हमारे यहाँ, देखिए अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ये एक जरूर होता है कि कोई लड़का किचन में जा रहा है, अरे लड़कियों का ये तो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये चीज कभी आपको सुनने को मिली? हाँ बहुत बार मिली, बहुत ज्यादा बहुत बार मिली, बिकॉज मेरा भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा है। लाइक इसका तो ये था ना, लाइक स्कूल से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ आपको पता है ना, कुछ सैड इंसिडेंट्स होते हैं फिर उसके बाद लाइफ चेंज हो जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, एक्सीडेंटली किचन में जाने का इत्तेफाक हो गया, कुछ फैमिली में कैसे इशू हो गया। तो इसके बाद किचन में जब घुसा तो पता चला कि यार यार इसमें तो मजा आ रहा है। हाँ, ये तो बहुत मजे की चीज़ है। एग्जैक्टली वो भी मैं बहुत छोटा था स्कूल के टाइम था, बट फिर वो चीज जो है ना, मैं बचपन में मेरा ये था कि ना मुझे मिनिएचर्स होते हैं ना, ब्लॉक्स वगैरह, इन चीजों से बहुत खेलने का बहुत शौक था। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, मैं आई वाज लाइक वो होते हैं ना फैंटेसी वर्ल्ड जो exactly, बच्चों की होती है एग्जैक्टली exactly, तो वो चीज़ ना मुझे वो ग्रो होती गई एज के साथ साथ, बच्चे के अंदर जो चीज़ बचपन में होती है ना तो वो चीज़ एज के साथ ग्रो होती रहती है exactly. लेकिन वो आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए ना तो वो सिनेरियो कुछ डिफरेंट था। मैं क्योंकि एक आई एम द ओनली सन ऑफ माई, तो जो है क्या कहते हैं, उस टाइम पे मैंने जब बोला कि आई वॉन्ट टू कुक, तो उन्होंने बोला क्या मतलब जो लड़के किचन में नहीं, ये चीज बहुत सुनी। और जब एक ऐसा होता है ना कि ना यार जब आप घर के अकेले हो तो वो लाडलापन, और फिर वो लड़का किचन में अकेला, नहीं नो वे, वो एक स्टीरियोटाइप जो था ना वो बहुत खतरनाक था। लेकिन मैं आई एम इंजीनियर एज वेल, तो हम इंजीनियरिंग में घुस गए कि यार चलो अब उस टाइम पे इंजीनियर या डॉक्टर या ज्यादा पढ़ने वाला होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये था हमारे पाकिस्तान का। लेकिन फिर जब इंजीनियरिंग करके निकली तो एक थोड़ा सा हमारे यहाँ फुकदान है कि हम जब एक शीप हर्ड्स की तरह लग जाते हैं कि यार एक बच्चा ये कर रहा है ना तो सबको करो, सब वही करें, तो इससे क्या होता है कि ना आपकी इकोनॉमी जो है ना क्लच करने का लग जाती है कि वो एक सेचुरेशन पैदा हो जाती है। तो वहाँ पे ना जॉब्स मिलना बंद हो गई इंजीनियर्स को, 2015-16 की बात बता रहा हूँ मैं, तो जॉब फारिक, तो कहीं भी जॉब नहीं, किसी फील्ड में भी नहीं। तो उस टाइम पे सिनेरियो ऐसा बन गया था कि आई वाज जॉबलेस, मैं इंजीनियरिंग करके मैंने स्कूल के अंदर टीचरिंग करना शुरू कर दी, जॉब चाहिए थी और ये सब चीजें, और हम लोग इतना वेल ऑफ नहीं है, जाहिर सी बात है फादर ने भी अर्न किया फिर हमने भी अर्न करना। तो इस तरह फिर क्या हुआ कि लोगों ने फिर मशवरा दिया कि चलो MBA करा दो। अच्छा हमारे लोगों के मशवरे में बहुत चला जाता है, लोगों के मशवरे, लोगों ने मशवरा दिया MBA, फिर हम लोग भी, मैंने बोला चलो चलो शायद हो जाते हैं बेटा, उन्होंने पप्पू के बेटे, उन्होंने MBA करा, बट आपको एक बता दो इट वर्क्ड। जैसे ही मेरा MBA एडमिशन हुआ मुझे जॉब मिल गई, I served Atlas Honda, मतलब Honda के अंदर मैंने काम किया हुआ है 5 साल के जो है, मैंने तो सर्व किया एज असिस्टेंट मैनेजर, बट वो एक था ना बचपन का दिमाग के अंदर होता है ना कि नहीं यार समथिंग वॉज मिसिंग, कुछ है। तो यार एकदम से फिर जर्नी यहीं से शुरू हुआ, कुकिंग तो चल रही थी लेकिन इसको ऑफिशियली या इसको कहना सर्टिफाइड करने के लिए फिर मैंने, मुझे सब कुछ क्विट करना पड़ा। सही, फुल टाइम फिर आप चाह रहे हैं एग्जैक्टली, तो फिर क्विट करा, क्विट करा तो बहुत अच्छा, क्विट करने की बड़ी कहानियां हैं। हाँ। क्योंकि मैंने जो क्विट किया था ना तो मैं तो बहुत पीछे पड़ा रहा पेरेंट्स के कि मुझे करना है, लेकिन बिल्कुल दी उस वक्त जो था ना, खैर मेरे ब्रदर ने मेरी काफ़ी मदद की, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया था जिस पे मैं जो है ना बगैर बताए रिजाइन कर दिया था, और रिजाइन करके मैं घर पे बैठ गया था, मैंने कहा था मैं रिजाइन कर दिया, सेम सेम है, मैंने रिजाइन कर दिया था, मैं जो है तूफान कि ये तुमने क्या किया है ना। हां एग्जैक्टली, मैं अंदाजा कर सकता हूं कि मैंने भी एक दफा ऐसा किया था, क्योंकि आगा साहब ये देखे ना आजकल की इकोनॉमी हमारे यहाँ ऐसी है कि ना हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, और जो जिस कहते हैं ना साइक्लो स्टाइल में चल रहा होता है वो चाहता है कि बस वो ठीक है जी आप यहाँ हो,
आप सब ऐसे ही चलते रहो। पता है क्या बात ये होती है कि एक ऐसा पॉइंट आता है आपकी लाइफ में या आपके जॉब के एरिया में जब आप ऐसे हो जाते हो कि जैसे आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि भाई मैं उठ के जाऊं, ठीक है, मैं हमेशा ये होता है कि एडजस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कंफर्ट जोन कह लीजिए उसको। आजकल पेरेंट्स इतने ग्रूम हो चुके हैं कि वो बच्चे की खुशी को देखते हैं कि वो क्या, हाँ मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई अगर डांसर बनना चाह रहा है तो चलो ठीक है उसको, मतलब ये फिर भी अभी थोड़ा सा जो है ना है हमारे यहाँ नहीं ऐसा वो है लेकिन अभी हमारा माशा इतना ग्रूम नहीं किया। एग्जैक्टली शेफ को भी अब जो है बूम मिलना स्टार्ट हुआ है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। अभी भी वही बात मैंने आपको कही ना कि वो एक कॉन्सेप्ट, मैंने इवन कि मुझे भी कुकिंग का शौक है और मेरे प्रोग्राम में एक दफा आप यकीन करें अभी कुछ दिन पहले एक रेसिपी मैंने बताई ऐसी कि चलो जी, मैंने कहा चलो यार चेंज करते हैं कुछ, मैंने रेसिपी मैंने बता दी। अब कॉलर एक पर्सन है कहेंगे आपने रेसिपी ऐसे बताई, ऐसे तो मतलब कोई लड़की भी नहीं बता सकती मतलब ये कि आपने इतनी अच्छी तरह कैसे, मैंने कहा यार क्या मतलब आपका, आपको ये पता है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े शेफ हैं वो सारे मर्द आजाद शेफ हैं, आपको कैसे पता है कि प्याज को इतना ब्राउन करना है तो गोश्त इस डालना है तो आपने इतना परफेक्ट कैसे बताया, मैंने कहा इसलिए कि मैं कुकिंग करता हूं। सबसे अच्छे शेफ जो होते हैं ना वो मेल शेफ्स होते हैं जो कि इनके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब इसका मतलब आज प्लेटफॉर्म पे तीन शेफ मौजूद हैं तो हम कोई गलती नहीं कर सकते रेसिपी में, शेफ कभी-कभी जो है ना कर लेते हैं पकड़े जाएंगे कभी-कभी जो है ना शौकिया कर लेते हैं। जबरदस्त, ये तो आपकी एक आज हमें ये बात पता चली है क्योंकि मुझे बचपन से मुझे भी शौक था कुकिंग का, मैं इनकी बातें सुन रहा था तो मैं करता था कुकिंग और थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन आप लोग तो खैर आप तो आप हैं नहीं बैठे, आपको एक बात ऑलवेज अ लर्नर, हमेशा एक लर्नर रहना चाहिए। हमें ये होता है कि ना हम लोग जैसे पढ़ाते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, वो अगर ये देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस बात को मेरी सेकंड करेंगे कि मुझे आपसे सीखना है, सीखना है। आप मुझसे सीखने नहीं आए हो, मैं आपसे, हम लोग बराबर हैं। जब वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं बच्चे ना, वरना बहुत डरे हुए होते हैं कि यार पता नहीं कौन टीचर होगा, किस तरह से क्या होगा, हर कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक और बीच में आता है, मैं हमेशा ये बात पूछता भी हूँ, एक होता है शौक एक होता है पैशन, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, सही है। डिफरेंस क्या है कि इंसान थका हुआ हो ना तो शायद शौक के काम ना करे, ठीक है, लेकिन अगर इंसान थका हुआ हो लेकिन वो पैशन के काम आके करेगा ना तो उसकी थकन उतर जाएगी। देयर इज नो वे, मतलब मैं शौक होता है exactly, तो मैं 9 बजे आता था बैंक से अगर वापस तो मैं आके खाना भी बनाया करता था, दावतें भी करता था, लाइक मैं थकता नहीं था, ये पैशन है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा भी जो है जब मैं 9th क्लास में किचन में घुसा हूँ उसके बाद से लेके मैंने एक दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खाना ना बनाया हो और मेरा रीज़न ये हुआ हो कि मैं थका हुआ हूँ या कोई ऐसी बात है। अपने लिए बनाते थे आप, है ना? नहीं, मैं पड़ोसियों को भी देता हूँ, परोसना कहते हैं ना, परोसना, वो मैं परोसता था। ऐसे ही अभी हमारा, अभी आपके पास से जाने के बाद हमारी कैटरिंग है, आज तीसरा दिन है तो कैटरिंग शुरू है, कोई मसला नहीं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो लगता है तेजी से, तो हम चाहते हैं कि कोई आप हमारे दोस्तों के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं कि वो कुछ क्या डिफरेंट करें इस दफा आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए। भी बतानी है, कुछ हो या कोई देखें, जैसे अब हम लोग देसी तो बहुत खा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो है ना थोड़ा सा बर्गर हो जाए, बर्गर जो है ना, तो आई विल शेयर अ बर्गर रेसिपी, बीफ बर्गर रेसिपी, ठीक है, तो वो मैं शेयर करूंगा क्योंकि बहुत क्विक और इजी बनने वाली है। आप अगर जैसे कि बारबेक्यू पार्टीज हो रही है इसके अंदर आप एक साइड लाइन में बर्गर्स भी साइड में रख सकते हैं तो वो एक अच्छा एक चेंज आ जाएगा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। तो मैं बताऊं, अच्छा बता दो, हाँ बिल्कुल सही है। तो करना क्या है, आपने बीफ बर्गर की अगर मैं आपको रेसिपी बताता हूँ, बीफ उठा लीजिए पेपर पेन और या जो हमारे दोस्त देख रहे हैं रिकॉर्डिंग पे जो है ना तो बीफ मिंस आपने लेना है, कीमा बीफ का बट विथ फैट, ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 30% फैट होना चाहिए और 70% कीमा होना चाहिए, मीट होना चाहिए। कितना अगर हाफ के जी की रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ तो हाफ के जी के अंदर जैसे कि आपने ले लिया 450 ग्राम जो है वो आपने मिंस, उसके अंदर अलग से फैट डालना है, ठीक है, इसको आप फुल मिंस मशीन के अंदर डाल के पीस लें, ठीक है, हाँ दोनों को इतना पीसना है कि बिल्कुल बारीक वो मैश हो जाए। उसके अंदर फिर आपने ये मिला लिया, उसके बाद आप इसमें डालेंगे अनियन चॉप्ड हुई भी, अदरक लहसुन पेस्ट और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ये मैं अपना थोड़ा सा वेरिएट करता हूँ, वरना चिली फ्लेक्स अगर आप ना डालें तो डालें, लेकिन हाँ ग्रीन चिलीज को चॉप करके लाजमी डालना है, ठीक है।
अच्छा इसके अंदर हाफ के जी है तो इसके अंदर एक एक मीडियम साइज की अनियन चॉप्ड भी जाएगी, ग्रीन चिलीज 3 से 4 अदद, और हसबे जायका, और हसबे जायका नमक, और ब्लैक पेपर हसबे जायका, और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर 1 से 2 टीस्पून के करीब मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट आपको जो है बीफ के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, डिफरेंट और जो चिली फ्लेक्स यानी कि जो कुटी मिर्च आप बिल्कुल कुटी मिर्च, ठीक है। चिकन पाउडर प्लीज मत यूज करें बीफ के अंदर खुदा, क्योंकि हम लोग इससे भी टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जितने कम मसाले होंगे ना बीफ का जूस उतना ही अच्छा होगा, जितना ड्राई मिक्स आप डाल देते ना तो वो जूस सारा सोक कर लेते हैं अपने अंदर, तो जूसी नहीं रहता, ठीक है। तो आप इसको मैश करें, अच्छा सा मिक्स करें, और इसको बना के पैटी बना के फ्रीज कर दें थोड़ी देर के लिए, जब वो सेट हो जाए देन आप इसको पैन सियर करें, इसको बर्गर्स पे लगाएं और पैटी के ऊपर लगाएं, आइसबर्ग रखें, थोड़ा सा सॉस लगाएं, मायो गार्लिक सॉस आजकल बहुत अच्छा, मायो गार्लिक सॉस या सराचा सॉस भी बहुत आसानी से बन जाता है, मेयोनीज के अंदर आपने गार्लिक चॉप करके डाल लें थोड़े से एज पर टेस्ट, सराचा सॉस भी आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है वो डालना है, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, और थोड़ी सी इसके अंदर अगर हैलोपिनोस अवेलेबल हैं, हैलोपिनोस 4 के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है, वो आप चॉप करके इसके अंदर डालें तो आपके जिंगर सॉस घर में होममेड तैयार हो जाएगा, वो आप इस पे लगाएं, इसके ऊपर पैटी रखें, इसके ऊपर चीज स्लाइस रखें, अनियन, और अच्छा एक और मैं आपको टिप बता दूं कि अनियन और टमाटर आप जब भी रखें कच्चा ना रखें, ठीक है, उसको थोड़ा सा पैन सेयर कर लें देन आप उसको रखें, फ्लेवर और इन्फ्यूज हो जाएगा, उसको आप फिर कवर करें और सर्व करें, आप इंजॉय करें, आपको किसी ब्रांडेड बर्गर शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे आप बनाएं। ये थी रेसिपी जी, क्विक और इजी, क्विक और इजी, बहुत मजे की भी होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी जी, अच्छा मैं जो हूँ रेसिपी इट्स लाइक थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है और थोड़ा सा देसी की तरफ ही जाऊंगा मैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोग जो है ना सबसे पहले ग्रेवी तैयार करेंगे, ग्रेवी में क्या करेंगे कि हम लोग जो है घी लेंगे, ठीक है, घी के अंदर जो है हम लोग एक सिनेमन स्टिक डाल देंगे, एक बादियान का फूल डाल देंगे, एक बड़ी इलायची डाल देंगे, ठीक है, अगर आपके बड़ी इलायची और छोटी इलायची 2-3 छोटी इलायची डाल दें, ठीक है, हल्का सा 1/2 टीस्पून जीरा डाल दें, ठीक है, इन सबको कड़का लें, ठीक है, कड़का लें आपने इसमें से कड़कने की आवाज, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपने, अच्छा ये जो मैं आपको अभी इस ग्रेवी बता रहा हूँ ना, ये ग्रेवी आप लोग जो है जमा के रख सकते हैं, ये आप अपने फ्रिजों में रख सकते हैं, जब भी आपने जो है कोई चीज बनानी है आपने ग्रेवी निकाली आपने उसको गर्म किया इसी के अंदर आपने मीट वगैरह डाला भूना और आपने रेडी कर दिया, ठीक है, मसाले वसाले डाल के, ठीक है, तो आपने क्या करना है उसके बाद इसमें आपने डालना है अनियन डाल देने, अनियन डाल के जो है आपने इसको भूनना है, ठीक है, अच्छा अब मेरे पास जो है फर्ज करें 1 kg मेरे पास जो है मटन का जो है वो रान के गोश है 1 kg, ठीक है, तो आप तकरीबन 2 अनियंस ले लें, 2 अनियंस को जो है आपने स्लाइस किया, स्लाइस करके आपने जो है उसको डाल दिया और मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है, गोल्डन करना है, वो पहले व्हाइट होगा, व्हाइट होने के बाद वो नीचे लगने लगेगा, हल्का हल्का गोल्डन करने होने लगेगा, तो आपने उसके अंदर 2 टमाटर मीडियम साइज के हल्के से चॉप करके डाल देने, ठीक है, ठीक है, वो जब आप डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो नीचे से लगना बंद हो जाएगा, फिर आप उसको भूने, इतना भूने, इतना भूने कि वो जो चीज है ना वो ग्रेवी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, ब्राउन सा शेप आ जाए, पानी डाला उसके अंदर ना, पानी बिल्कुल नहीं, पानी तो टमाटरों का छुटेगा ना, ओके डाले, और मीडियम आंच होगी तो वो अंदर से पकेगा, सही है, तो आपने उसको पकाना है पकाना है पकाना है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा अंदर से पका, वो पता है वो अच्छा अच्छा ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस वजह से अगर आप इसको काम को अहेड करके इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि इसके अंदर जो ना पानी वगैरह जब देखा है हम कोई रेसिपी में पानी टमाटर आपने डालने, टमाटर डालने के बाद अच्छा ये जब एक ग्रेवी की शक्ल इख्तियार करेगा, ठीक है, हल्का सा ब्राउन सा हो जाएगा, अच्छा तेल छोड़ देना, बिल्कुल तेल छोड़ देगा वो, ऐसा ही है, अच्छा अब ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें से अगर आपने साबुत रखना है तो एज इट इज उठा के इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, इसको ठंडा कर सकते हैं और अगले दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा हफ्ता चलेगा, कुक्ड है ना, ठीक है, और अगर आपने इसको ग्रेवी बनानी है तो आपने इसमें से गरम मसाले निकाल देने, जो भी गरम मसाले जितने निकाल सकते हैं, उसके बाद आपने इसको पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना के आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, पेस्ट मतलब ग्राइंडर में, ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लें, ठीक है, तो अच्छा हम लोग नॉर्मली घर में क्या करते हैं, उबालते हैं अनियन को, टमाटरों को, गार्लिक को उबाल लिया, लेकिन ये उबालना नहीं है, ये जो है ना बेसिकली आप इसको जितना सौते करेंगे ना, सौते करने का जो खुशबू होती है ना उसको भूनने की, वो टेस्ट और वो खुशबू और वो अरोमा आएगा, अच्छा अब इस पॉइंट पे आपने अपना इसमें जो है बकरे का गोश्त डाल देना है,
ठीक है वो 1 kg आपने रान डाल दी, उसको भी भूनना है, मतलब हड्डी वाला भी बोनलेस भी हो सकता है, बोनलेस भी हो सकता है, हड्डी वाला डालें तो अच्छा है, रोगन जो निकलता है ना वो हड्डी से ही निकलता है, सही है, बिल्कुल यखनी का जो कहले आप, ऐसा ही है। तो फिर आपने उसको भूनना है, भूनना है, भूनना है, वो भूनेगा, कलर चेंज हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर डालने मसाले। मसालों में क्या क्या है? मसालों में आपने जो है इसमें लाल मिर्च डालनी है, ठीक है। अब 1 kg है तो तकरीबन 1.5 teaspoon इनफ रहेगा, लेकिन ये भी अपने हिसाब से, अपने हिसाब से ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हल्दी आपने डालनी है बिल्कुल 1/2 teaspoon, ठीक है। 1 teaspoon आपने जीरा पाउडर डालना है, 1 teaspoon आपने कोरिएंडर पाउडर डालना है, और इसमें जो है आपने गरम मसाला डालना है 1.5 पाउडर फॉर्म में, 1.5 teaspoon, ठीक है। सॉल्ट डाल देना है हसबे जायका। अब इसमें एक ऐसी चीज जाएगी वो है काला जीरा। काला जीरा आपने साबुत डालना है 1 teaspoon, ठीक है। अब उसको आपने अच्छा सा भून के और इसमें हल्का सा पानी डाल के आपने इसको, जो हल्का पानी, बहुत ज्यादा नहीं, भुना भुना सा गोश्त अच्छा लगता है, शोरबे वाला तो खैर मुझे अच्छा लगता नहीं है, मुझे भुना भुना ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिर आपने इसको डाल के कुक होने देना है। अच्छा, 50% ये कुक हो जाएगा तो आपने मुट्ठी भर के प्रूनस लेने। अच्छा, बिल्कुल, मुट्ठी भर, हल्का सा मतलब समझे 1 kg है तो 1 मुट्ठी प्रूनस आपने ले लिए। प्रूनस में क्या होता है, एक आलू बुखारा होता है, आलू बुखारा खट्टा होता है, ठीक है, वो बिरयानी में जाता है। प्रूनस हल्के मीठे होते हैं, उसमें खटास नहीं होती, वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, सुपरमार्केट्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप वो प्रूनस आप मुट्ठी भर ना भी डालें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आपने 1 मुट्ठी भर प्रूनस लेने, 10 दाने वो आपने उसमें डालने और 50% और पकाने हैं। फिर आप प्रूंस को डालें, वो ड्राई होते हैं, वो जब और ज्यादा मटन के साथ पकेंगे शोरबे के अंदर, अपना जो मतलब जो ग्रेवी के अंदर जो भी आपकी भुनी भुनी ग्रेवी होगी उसके अंदर अपना फ्लेवर देंगे, ठीक है। तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, बहुत अच्छा उसमें सोक भी हो जाएगा, नरम भी हो जाएगा, और वो फिर जो है आप आराम से उसको खाएं और उस पर गार्निश करें, धनिया के साथ गार्निश करें उसको, हरी मिर्च वगैरह के साथ गार्निश कर लें उसके साथ। डिनर है ना आज का ये क्या? अच्छा, इसको यकीनन जी, तो आप भी इनवाइटेड हैं। हाँ जी, श्योर, जरूर जरूर। राइस के साथ भी इसको खाएं तो बहुत अच्छा लगता है ये राइस को, नान हो या राइस हो, ऐसा ही है। और इसको एक और भी चीज होती है सर्व करने के लिए, राइस इसको जो बंद करके रोटी में सर्व करते हैं ना आप, टर्किश स्टाइल, उसमें आप इसको राइस रखें, राइस के ऊपर ये पूरा डालें, ठीक है, और उसको पूरा कवर करके जो है ना आप उसको बेक करें, बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है इसका, बहुत अमेजिंग फ्लेवर। क्या बात है। और अगर मैं पूछूं, जो मेरे पास फरमाइश भी थी कि जी जो बारबेक्यू का जो हम बनाते हैं क्रिस्पी जो बोटी बनाते हैं उसके कोई आसान क्रिस्पी बोटी जी, कि हमें उसको फ्राई करके जो बनाते हैं ना, पहले उसको स्टीम करते हैं, देन फिर उसको फ्राई करते हैं, क्रंची सा बिल्कुल ऐसे ही जो क्रंची टाइप का क्रिस्प आता है, क्रिस्पी सा करते हैं। तुम बता रहे हो, मैं बताऊं? आप बता उसकी कोई क्विक रेसिपी। अच्छा, ये आपका डोमेन है। आप देखिए, बारबेक्यू में मैं बिल्कुल नहीं घुसता। बारबेक्यू बोटी, मुझे बारबेक्यू करना ना, सॉरी आई एम शेफ, बट मुझे बारबेक्यू एक ऐसा काम है जो कि मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली उस पे अगर मैं सीखों की बात करूं, सीखों पे इस तरह नहीं होता। अब इसकी एक टेक्निक है, जो ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आप जो है चाहे बीफ की बोटी ले लें लेकिन बोनलेस हो, या आप मटन की बोटी ले लें बोनलेस, ठीक है, उन दोनों को जो है आप पहले बॉईल करते हो, ठीक है, आप उसको बॉईल करते हो बहुत ही हल्की आंच के ऊपर बहुत लंबी देर के लिए, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं थोड़ी ऊंची आंच रखते हैं जल्दी से बस, हाँ, लेकिन वो पानी इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से जो है ना वो नरम नहीं होते, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि पहले उसको बॉईल करते हो, बॉईल करने में कुछ नहीं डालना है, जिंजर गार्लिक आपने डालना है, साबुत अनियन आपने साबुत डालना है, थोड़े से आपने 4-5 जो है वो काली मिर्चें डालनी है साबुत, ठीक है, आपने बेलीफ डालना है साबुत, ठीक है आपने सब डाल के उसको पहले बॉईल कर देना है। बॉईल करने के बाद आप उसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाला आप या तो रेडीमेड ले लें जो टिक्का मसाला होता है। अच्छा, नहीं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूं, आपने जब बॉईल कर लें तो उसका नहीं, जब पानी खत्म हो जाए, बिल्कुल मतलब उसको देखें, अगर पानी खत्म भी नहीं होता ना कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप उसको निकालें, ठीक है, आप उस पानी के अंदर बनाए पुलाव, Okay. जो आप इस बोटियों के साथ यखनी पिलाओ, जो आप इस बोटियों के साथ सर्व करेंगे, ठीक है और यखनी के तो ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स हो गए ना उसमें, हम लोग कुछ भी नहीं, हम इसी तरह से ना 2-3 चीजें यही कर रहे होते हैं, हम हरकत है ना कि यार ये बस आपको सूप तक बना लेते हैं हम इस ब्रॉड से, हल्का सा गर्म मसाला उसमें डाल लें, पोटली जो गर्म मसाले की होती है वो आपको जो है बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगा उसमें, और आप उसका पुलाव बनाएं। बोटियों को आप बाहर निकाल लें, जब बोटियां आपने बाहर निकाल ली हैं तो आप उसको जो है दही, लाल मिर्च, लेमन, ठीक है, और हल्दी और गरम मसाला, ठीक है, और कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब मिलाकर, बेशक अगर आप चाहें तो टिक्का मसाला बाहर का डाल लें, नहीं भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें जो है अगर आप
उस पे तरफ जाते हैं, अरेबिक की तरफ जाते हैं, तो आप दही के साथ क्या कहते हैं ताहिनी सॉस, दही के साथ ताहिनी सॉस मिला सकते हैं, सुमक पाउडर मिला सकते हैं, ठीक है, उसमें आप गरम मसाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ें, आप लेमन, ठीक है, ये सब चीज़ें आप मिलाकर आप उसको मैरिनेट करें, ठीक है, बेशक ओवरनाइट करें या आप आधे घंटे के लिए कर लें, एक घंटे के लिए कर लें, ठीक है, मैरिनेट करके आपने उसको जो है क्या करना है कि उसमें मैदा डालना है, मैदा डालने के बाद कॉर्नफ्लावर डालना है, ठीक है, और उसको अच्छी तरह लपेट के फ्राई करना है, हल्का सा उस पर अगर चाहें तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन दही का अपनी लिक्विड की वजह से वो इतना स्टिकी नहीं होगा, ठीक है, तो आप उसको जो है डीप फ्राई कर लें, डीप फ्राई नहीं करना तो आप उसको शैलो फ्राई कर लें, वो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मजे का, और अगर आपने अरेबिक के साथ थोड़े से तिल डाल दिए उसमें तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छा, और क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लावर के साथ राइस फ्लावर भी आप यूज कर सकते हैं, चावल का आटा, और बहुत अच्छा क्रिस्पी इसका फ्लेवर आता है। तो क्या बात है जी, मिनटों में देखें जो रेसिपीज बनती है, बहुत टाइम लेती है, मिनटों में जो है हमारे दोनों दोस्तों ने बताई, और यकीनन ये आपके दस्तरखान की जीनत और बढ़ाएंगे और एक डिफरेंट सा जो है ना वो फ्लेवर लेकर आएंगे आपके बारबेक्यू आइटम्स में। अच्छा, आप बकरीद का जिक्र हो और कलीजी का जिक्र था, तो ये तो होता नहीं जो है ना, साल में एक ही बार खाई जाती है, मैं बताऊं कलीजी जो है ना उसका क्या, कलीजी के लिए कुछ सोचा आपने कि इसका क्या नया? मैं खास बात, अब तक सब घर में बन चुकी होगी, लेकिन अगले साल के लिए टिप जो है बिल्कुल आप दे दें जो हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, टिप में देखें, सबसे इसकी जो जो लोग इस वजह से कलेजी नहीं खाते, इसकी वजह ये होती है स्मेल आती है, और स्मेल निकालने का तरीकेकार क्या है वो अच्छा, ये है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और वजह से कलेजी नहीं खाते, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारे लोग, कि उसका जो टेक्सचर होता है ना च्यू करने वाला, वो लोगों को नहीं पसंद कि यार ये कैसा है, तो वो भी इस चीज से खत्म हो जाएगी, वो भी बिल्कुल स्पॉन्जी टाइप का जो होता है ना वो खत्म हो जाएगा इससे, ये जो बता रहा है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि आपने पहले इसकी बदबू निकालनी है, और बदबू कैसे निकलेगी, सबसे पहले आपने इसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे आपने पीसेस करने, तकरीबन 1 inch के इनफ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े पीस करेंगे तो बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, और देर तक पकाने में उसके अपनी न्यूट्रिएंट्स भी जो है ना चीजें वो जाया हो जाती है, इस वजह से वो रबर हो जाती है, रबर बड़ी गुदाई ऐसा ही है, तो आपने छोटे छोटे इसके पीसेस करने हैं, उसके बाद आपने उसको तकरीबन 1 to 1.5 hours के लिए आपने इसको जो है विनेगर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और लेमन लगाकर आपने इसको रख देना है तकरीबन 1 hour के लिए, 1 hour के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो इसकी अपनी जो अंदर की बदबू और जो हम लोग हीक आती है ना वो चीज खत्म हो जाएगी, फिर आप उसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, उसका पानी भी निकलेगा, ठीक है, कलेजी का हल्का सा नीचे से पानी निकलेगा, पानी को फेंक कर उसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर आपने उसको पकाएं, कोई भी रेसिपी बनाएंगे आपको मसला ही नहीं होगा, स्मेल ही नहीं आएगी, और उसका जो वो एक टेक्सचर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना स्पॉन्जी टाइप का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल। बस एक और चीज, अगर आप ग्रेवी वाली बना रहे हैं ना, सालन वाली, तो पहले उसको भून लें, ठीक है, और अगर इसको ऑयल में इसको पहले जो है ना हल्का सा फ्राई कर ले, उसको भून ले, ठीक है, उसके बाद इसको जो है ना दीगर वीगर मसाले डाल के ग्रेवी बाद में बनाए, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको भुना भुना सा बना रहे हैं, अगर आप उसको तवा के लिए जैसे कहते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर तो आप उसी में भून रहे होंगे ना, एग्जैक्टली, तो ये बस इसकी टेक्निक है, और बाकी आप मसाला कोई भी यूज करें, आप देसी मसाला नॉर्मली हम लोग कलेजी में यूज करते हैं। अच्छा, बाहर क्या होता है इंटरनेशनली, वो बहुत ही कम मसाले यूज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, हर्ब्स डाली और उन्होंने कलेजी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसका एक फ्लेवर है अपना, जो रियल बिल्कुल अपना फ्लेवर होता है, और डक की भी अगर वो खा रहे होते हैं तो वो भी उसका अपना फ्लेवर के लिए, वो तो बिल्कुल ही वाइट होती है, लाइक उसमें कोई मसाला वसाला नहीं डालते, लेकिन हम लोग क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर आप कम मसाले से एक बार बना के देखें हमारे कहने पे, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, अच्छा फ्लेवर, उसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेक में भी जो है लोग बहुत ज्यादा जो है उसमें सॉसेस वगैरह डालते हैं, और मैं जो हूँ सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थाइम डालता हूँ, और मेरा जो है बहुत बटर, और बटर में उसको बस पकाता हूँ, बस डैट्स इट। देखें कि जो पिज्जा है उसके अंदर भी हमने इतना अपना रिवायती टच लाते कौन सा देखा, बलोची टिक्का पिज्जा, हर चीज जो है उसको एग्जैक्टली, तो मतलब किसी दिन बाद बिरयानी टिक्का जो है कौन सी होती है, बटर चिकन, हाँ बटर चिकन टिक्का, बटर चिकन पिज्जा, हमारे यहाँ चीज को जो है अपने टेस्ट से फेमिलियर करने के लिए, एग्जैक्टली, बस हमें लगे कि हमारे यहाँ जो है ना लोग गोश्त का बहुत ज्यादा शौकीन है, इस वजह से हर चीज में गोश्त घुसेड़ना बहुत जरूरी होता है, मैं खुद, मैं इन लोगों की बात करूं, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं सब्जी जब तक गोश्त इसमें नहीं होगा ना मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, ठीक है ना, तो ये मेरे ये आदत है,
सही है ना, ये हमारे यहाँ का एक है कि ये चीज है. लेकिन अगर आप मार्गेटा पिज्जा खाएं जो कि टोमेटोज, उसमें सिर्फ टोमेटोज होते हैं और बेसिल लीव्स होता है और उस पर चीज लगी होती है, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है. उसमें ना कोई स्पाइस है, वो सिर्फ एक टोमेटो सॉस है, उसमें टोमेटोज लगे हुए हैं, बेसिल लगा हुआ है, चीज डली हुई है, वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है. तो खाना चाहिए लोगों को, खाना चाहिए लोगों को. और ये देखें, दो जबरदस्त रेसिपीज हमारे साथ शेयर हुई. तो अब हम पूछते हैं कि जो बात जो हमारी स्टार्ट जहाँ से हुआ था कि शुरू में तो फैमिली की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ ना, लेकिन अब जबकि आप अपने अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं, इतना वक्त गुजार चुके हैं, तो अब क्या रिस्पॉन्स आता है फैमिली का? अब अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो आपको यकीन नहीं करेंगे, पहले ऐसा होता था कि मेरी तरफ से, मेरे घर, मेरे मम्मा पापा की तरफ से मुझे अलाउड ही नहीं था कि 11 बजे के बाद मैं घर से बाहर हूँ इस एज में भी आके. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शुरू में तो डेफिनेटली कि यार ये कौन सी जॉब है कि आप, क्योंकि रेस्टोरेंट आपको पता है जब तक क्लोज नहीं होगा. और हमारे यहाँ रेस्टोरेंट जब हम जॉब करते थे तो उस टाइम पे 2 बजे से 3 बजे, बल्कि वीकेंड पे तो 5 बजे घर आते थे. तो मैंने बोला यार ये कैसी जॉब है कि यार इतनी रात को बाहर और ये, और पता नहीं कैसे हालात हैं और इस तरह से ना. लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा ना स्ट्रगल, जब वो देखते हैं ना कि यार स्ट्रगल के बाद एक 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 फ्रूट्स जो मिलना शुरू होते हैं, पर्क्स जो मिलना, और आप जब पैशन पे होते हो ना, जिसको आप जुनून बोलते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे इतना जल्दी आप ग्रो करते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए. और फिर घर वाले बोलते हैं कि नहीं यार अब बस इसको करने दो, इसको निकलने दो, और वो सपोर्ट करते हैं. फिर जब हमारी जो टीवी होता है, फिर वो मेरी खालाओं को और मैं सब जगह बताती हूँ कि ना शो देखो, उसका शो आ रहा है. फिर यार प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए. अभी भी मैं बताकर आया हूँ कि जे ना ईद का हालांकि तीसरा दिन है, तो वो बोलने के ना कहाँ सुबह सुबह निकल रहे. मैंने बोला नहीं यार वो अब शो है, तो मैंने हाँ फिर शो है तो फिर जाओ, तो फिर मसला नहीं है. एग्जैक्टली, बहुत एक पेरेंट्स आपको पता है जब उनकी दुआओं की वजह से हम लोग इतने आगे बढ़ते हैं, वरना अगर उनकी दुआएं साथ ना हो और वो उनकी सपोर्ट साथ ना हो, हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते. अपनी मेहनत तो है, लेकिन वो उनकी सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं है. क्योंकि जब अभी भी मैं घर में घुसूंगा तो मुझे सबसे पहले कौन चाहिएगा, मिलता मम्मा का है. तो यही है, तो ये वाला हिसाब है. तो आप हमारा क्या सिचुएशन है? अच्छा, मेरा लिए इजी इस वजह से था क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज ना दुबई से की हैं. okay. तो मैं यहाँ पर, यहाँ से मैं दुबई चला गया था, वहीं पर मैंने स्टडीज की. ठीक है, वहीं पर मैंने रेस्टोरेंट में, होटल में काम किया 5 स्टार. अच्छा, में तो मैं घर से दूर रहा हूँ तकरीबन 3 साल मैंने वहाँ पर जो है गुजारे हैं दुबई में ना. तो उनको एक तरह से हल्की 50%, अब ऑब्वियसली आदत तो हल्की फुल्की पड़ गई ना उनको, बेटा वहाँ पर है, वो तो घर है ही नहीं. exactly. अब वहाँ पर जो है उनको बताना कि मैं रात में इतने बजे, जब वहाँ पर शिफ्ट्स होती हैं, नाइट शिफ्ट है, क्या कहते हैं, फिर आके आपको 3 घंटे आराम करके फिर दोबारा जाना पड़ता है. तो वो जो चीज़ पूरी सिनेरियो स्ट्रगलिंग का सुन के फिर मैं वापस आ गया. जब मैं वापस आया तो उस वक्त जो है, वापस आने के बाद मुझे भी लगा कि यार ये अभी भी वहीं पर ही स्टैंड करते हैं कि नहीं तुमने 11 बजे के बाद नहीं बाहर निकलना, या 10 बजे के बाद नहीं बाहर निकलना, वापस फ़ोन आ जाते हैं 10 बजे के बाद. एग्जैक्टली, तो उस वक्त ऑब्वियसली ये सारा सिनेरियो था. फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाना पड़ा, चीज़ें करनी पड़ी, आदत डालनी पड़ी. अब उनको आदत है, अब उनको पता है कि हाँ ये रात में 3 बजे भी आते हैं, कोई मसला नहीं है. लेकिन कॉल कर दिया करो, बता दिया करो, पेरेंट्स को जरूर बता दिया करें, क्योंकि बिल्कुल अब ये जो है ऑब्वियसली दे आर प्राउड ऑफ अस के जो है हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बल्कि इनफैक्ट ये भी है कि हम दोनों का एक जो डियो है ना, जो हम दोनों का जो एक साथ है, ये जो ट्रेनिंग है, ये सवाल था मेरे पास एक दूसरे से. अच्छा, ये रुक जाए, अभी मैं बताता हूँ, रुक जाए इसकी सिनेरियो में बताता हूँ. अच्छा, हमारा डियो वैसे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है. ठीक है, हम जब भी कहीं जाते हैं हम दोनों एक साथ जा रहे होते हैं. ठीक है, और हम लोगों को कुछ लोग जे वीडू कहते हैं, कुछ लोग टॉम एंड जेरी कहते हैं, क्योंकि ये जेरी है तो मुझे टॉम बोल देते हैं. तो ये जो है हम दोनों का डियो बहुत ज्यादा है. तो जहाँ पर भी होते हैं हम दोनों साथ ही हो रहे होते हैं. तो उसमें भी जो है ऑब्वियसली पेरेंट्स वगैरह बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो यार अकेला नहीं है, साथ ही लोग साथ हैं, ये सब चीजें हैं. तो ये सब सिनेरियो आप मिले कैसे, वो तुम जरा जरा अच्छे तरीके से बताते हो यार. खत्म होने लगा, लेकिन जल्दी से क्या कैसे बस ये था कि जो है ना जहाँ पे मैं आया इस फील्ड में था, तो मैंने कथम से जो अपना डिप्लोमा वगैरह किया. तो अब सिनेरियो ऐसा हुआ कि ना मुझे ये वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे, उस टाइम पे मैं नहीं पढ़ाता था. अच्छा, मैं अपनी जॉब करता था. ये यहाँ इंस्ट्रक्टर थे. फिर हुआ ये कि जो है ना शेफ डे आता है हमारे, एक साल में एक बार एक दिन होता है जो कि शेफ्स का होता है. तो उसमें मैंने कंपटीशन में पार्ट ले लिया. अच्छा, ये कलनरी का और मैं बेकिंग का, मैंने उसमें पार्ट ले लिया. और जब हमारी जो एक मीटिंग होती है ना, कि प्री इवेंट मीटिंग जो होती है जिसके हमें बनाना होता है, तो उसके अंदर ये जो है वो हेड कर रहे थे.
वहां से अच्छा, फिर वहां से जो है ना मेरे ये हुआ कि मुझे कलनरी में भी शौक था, तो इसने इनका रेस्टोरेंट भी हमारा होता था, तो हमने फिर रेस्टोरेंट को अच्छा जो है वो होता है ना, ज्वाइन एक करा। इंस्ट्रक्टर वो देख लेता है कि यार इसमें बहुत पोटेंशियल है। मैंने इसमें वो जस्तजू देखी, मैंने कहा कि जो है ना इसके साथ यही वो एक, स्टूडेंट है मेरा, हाँ ये नाम एक बनाएगा। इसको जो है ना एक इसके साथ जो है ना एक अच्छा मिलके ओके जो है ना हम बहुत आगे जा सकते हैं। ओके जी, तो अच्छा यहाँ इतनी इंटरेस्टिंग सी अच्छा बातचीत चली, लेकिन वक्त बड़ा जालिम है और वक्त एक छोटी सी, एक बड़ा छोटी सी बात जी करूंगा चले मैं, जी बस एकदम, आपके हाँ प्रोग्राम जी के जी तवसुत जी से जी बस मैं एक छोटी सी बड़ी अपने व्यूअर्स को एक जबरदस्त गुफ्तगू पैगाम चल रही थी, लेकिन क्या देना करें जी, चाहूंगा। वक्त था। वो ये है कि हाँ ना पैगाम देखें, जी हाँ पैगाम बिल्कुल, ये है कि ना हम लोग जो हैं वो अभी आप नया दोनों की तरफ प्रोग्राम, से हो जाए ठीक हाँ है हम दोनों की जी तरफ से पैगाम जी ये है कि हम लोग, क्योंकि अब देखें इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ ये है कि थोड़ी सी पैसा नहीं होता है लोगों के पास, तो पैगाम ये है कि ना हम लोग उनके लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि हाँ हम लोग वर्कशॉप्स लॉन्च कर रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट कुजीन बेस्ड, वो जो जो लोग पूरा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उन कोर्सेज को हमने ब्रेक डाउन किया है पर वर्कशॉप, तो हम लोग ये बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। ये आपके प्रोग्राम में पहली बार जो है डिस्क्लोज हो रहा है, ठीक है, जबरदस्त तो जी, ये इंशाल्लाह ताला आपको प्लेटफॉर्म से मिलेगा। हमारा पेज का नेम अगर आपके बता नीचे दें लिखा हुआ पेज का नज़र नाम आए, बता सकते हैं, बिल्कुल, बता दीजिए आप मेरा जो जो है वो द शेफ जेरी के नाम से आपको मिलेगा अकाउंट, और इनका मिलेगा, नोफिलेंजम 1989 ठीक है, ठीक है, ये शेफ दोनों नोफिलेंजम आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ से सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो ज़रूर हमें ज्वाइन करें हमारी वर्कशॉप्स में, बिल्कुल और जी आप भी इसको प्रमोट करें बिल्कुल जी, ताकि जो है ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, डेफिनेटली, ज़रूर करेंगे। और और आप बहुत आएंगे तो शुक्रिया फिर जी उसको देखेंगे। आप लोगों का आने का, तशरीफ़ लाने का, थैंक बहुत यू बहुत सो मच, शुक्रिया, आपने अपने बुलाया कीमती बहुत वक्त में से आप लोगों ने ही। टाइम निकाला और हमारे ईद के जो आज का स्पेशल दिन है उसको, तीसरा दिन उसको ख़ास बिल्कुल बनाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।